हफ्ते की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नई सुबह के साथ और मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर नए तेवर और नए कलेवर के साथ। और आपको बता दें कि अगले एक घंटे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर हमारी नजर आएगी, जिसमें नजर आएगी प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे को लेकर, जहां बात करेंगे आज प्रधानमंत्री वडोदरा में मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं और उनके साथ रहेंगे स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज। साथ ही साथ वो एक रोड शो भी करेंगे और गुजरात को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। बताएंगे इससे जुड़ी हर एक अपडेट आपके साथ और कई अन्य क्षेत्रों पे भी हमारी नजर रहेगी इस एक घंटे, और मेरा साथ देंगे इस एक घंटे मेरी सहयोगी जया सेना। जया सुप्रभात। शुक्रिया भावना। और इसी के साथ नया सवेरा में हम बात करें तो जिस तरह से भारत और स्पेन के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत हो रहे हैं, और इसी की एक झलक हमें नजर आएगी आज के कार्यक्रम में, इस आज के दिन में, जहां पर देश भर में, देश पूरे दिन में हम देखेंगे किस तरह से काफी कार्यक्रम रहने वाले हैं। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनावी रण है उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है उस पर होगी हमारी खास नजर। बात करेंगे अपने संवाददाताओं से जो इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और साथ ही अगले एक घंटे में आपको बताएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर एक विकास गाथा यहाँ पर लिखता हुआ आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन सरकार के राष्ट्रपति के साथ आज वडोदरा में करेंगे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह एनडीएमए के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। आपदा के असर और खतरों को कम करने जैसे सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता मैनिफेस्टो को लेकर आपस में भिड़े। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस। प्रियंका गांधी आज से दो दिन तक वायनाड में करेंगी प्रचार। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जापान के संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की हार, छोटे दलों के पास सरकार की चाबी। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा के दौरे पर रहेंगे और दोनों नेता संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। भारत में अलग अलग स्थानों पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाने की निजी क्षेत्र की पहली यूनिट शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के राष्ट्रपति के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कॉम्प्लेक्स C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। C-295 परियोजना के तहत 56 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TACL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस प्रक्रिया में विमान के निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और उसे सक्षम बनाने से लेकर डिलीवरी व रख रखाव तक शामिल है। 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी, अब वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है C-295। आपको बता दें कि इंडियन एयर फोर्स का ये नया मालवाहक विमान है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 5,000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक का जो वजन है इस विमान के अंदर लेकर जाया जा सकता है। सोमवार को दोनों देशों के प्रमुख मिलेंगे। स्पेन के राष्ट्रपति के लिए बड़ौदा को विशेष तौर पर सजाया गया है। बड़ौदा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में गुजरात वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का स्वागत करेंगे। दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बड़ौदा के जो निवासी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँचेंगे और उसके लिए लगातार जो तैयारियाँ हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास की जो गाथा है वो इस रोड शो में आपको दिखाई देगी। भारत की संस्कृति, इसके अलावा गुजरात का कल्चर, गुजरात का डांडिया, वो भी रोड शो के दौरान देखने को मिल सकता है। रोड शो और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के प्रमुख भारत और स्पेन के संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के साथ देश विदेश के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे। वडोदरा से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत और स्पेन के बीच रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे और स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज सुबह वडोदरा पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने किया है। सांचेज की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। हालांकि इससे पहले दोनों नेताओं की कई बार बहुपक्षीय बैठकों के दौरान मुलाकात और बातचीत हो चुकी है। वडोदरा में आज दोनों नेता प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और स्पेन के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी की 2017 में स्पेन की यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा और नई गति मिली है। सांचेज की ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा के बाद अमरेली पहुंचेंगे, जहां वे तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए मूल्य के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे खास है भारत माता सरोवर। पीपीपी मॉडल पर बना ये सरोवर 24.5 करोड़ लीटर तक का जल संरक्षित कर सकेगा। आइए देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सोमवार का दिन गुजरात के लिए काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली के दुधाला में ढोलकिया फाउंडेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से पीपीपी मॉडल पर बने भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से ये जलाशय पहले 4.5 करोड़ लीटर पानी ही संरक्षित कर पाता था, लेकिन पीपीपी मॉडल के तहत इसे और गहरा, चौड़ा और मजबूत बनाकर इसकी क्षमता 24.5 करोड़ लीटर तक कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के आसपास के कुएं और कूपों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का ये विजन है, टूरिज्म को डेवलप करो, गांव को डेवलप करो और फार्मर को मजबूत करो, छोटे छोटे लोगों को कैसे फायदा होगा। तो ये एरिया में बहुत लैंड पड़ी है और इधर बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का। गिर तो नज़दीक में है, सोमनाथ भी नज़दीक में है, जूनागढ़ भी नज़दीक में है। ये जो अहमदाबाद से के बड़ौदा से के दिल्ली से कोई भी आता है तो ये रास्ते बीच में आता ही है, तो इधर से लेके गिर तक टूरिज्म डेवलप होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली में एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाएं और 1100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये बहुत ही बड़े बदलाव हैं जो लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी तरीके से अमरेली में भी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की जो स्टेट डिविजन्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं, उसमें भी बहुत सारे रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हमें लैंड एक्विजिशन भी कर रहे हैं और मैं मानता हूँ पिछले आगने वाले 5-6 साल में अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा एक कायाकल्प दिखेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली जिले के अंतर्गत जलापूर्ति विभाग की 700 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसका सीधा फायदा बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर जिलों के 36 शहरों और 1298 गांवों के 67 लाख से अधिक लोगों को पहुँचेगा। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि ढोलकिया फाउंडेशन के साथ पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जलाशय तैयार किया गया, यानी भारत माता सरोवर, जो न सिर्फ यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा, बल्कि अगर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक वर्ष तक बारिश नहीं भी हो तब भी यहाँ पर लोगों को पीने की पानी की समस्या नहीं होगी। अपने सहयोगी नीरज सिंह और कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, अमरेली।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस के साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन तो करेंगे ही, साथ ही राष्ट्र को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, आइए अपने रिपोर्टर नीरज सिंह के पास सीधा रुख करते हैं और जानते हैं ताज़ा अपडेट। नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, मेक इन इंडिया पहल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम तो है ही है, साथ ही साथ मेक इन फॉर द ग्लोबल का मकसद भी कहीं ना कहीं ये पूरा करता है। देखिए, बिल्कुल पूरा करता है, और जब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत कोई भी सामान का निर्माण होगा और ग्लोबल रूप से जब उसका निर्यात होगा, तो निश्चित तौर पर जो विश्व की तमाम जो वस्तुएं हैं वो भारत में बनेंगी और विश्व के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगी। आप अगर ये देखें कि टाटा एडवांस जो सिस्टम लिमिटेड है, जो खास तौर से C-295 जो एयरक्राफ्ट है जिनको बना रहा है, आप देखें कि 56 एयरक्राफ्ट का करार हुआ था स्पेन और भारत के बीच में, जिसमें 16 जो एयरक्राफ्ट हैं वो एयरबस के द्वारा जो फ्लाईवे कंडीशन में भारत को सौंपे जाएंगे, लेकिन ये 40 एयरक्राफ्ट ये भारत के अंदर ही बनेंगे, और भारत में बड़ौदा के अंदर जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है वो इन 40 विमानों का जो निर्माण है वो करेगा। 2026 तक पहले जो विमान है उसकी जो खेप है वो वायुसेना को मिल जाएगी, और आप देखें कि आने वाले समय में 2031 तक ये तमाम 40 के 40 जो एयरक्राफ्ट हैं वो वायुसेना या जो हमारे सेना के दूसरे अंग हैं उनको सौंप दिए जाएंगे। तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और मेक इन इंडिया को कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो सामग्री है जिनका हम विदेशों से आयात करते हैं वो अगर इंडिया के अंदर बनती हैं और इंडिया के लोगों को उसका लाभ होगा, कॉस्ट कटिंग भी होगी, और इसके साथ साथ हम ग्लोबल रूप से उन चीज़ों का जो निर्यात है वो भी कर सकते हैं, तो उस दिशा में ये महत्वपूर्ण जो पहल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। दूसरी, आप देखें कि जब टाटा एयरक्राफ्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन मात्र 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने किया था बड़ौदा में, और 2 साल के अंदर ही ये यूनिट बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ पर से जो आने वाले समय में जो एयरक्राफ्ट है वो बनकर हमारे आसमान में उड़ान भरेंगे। और ये एयरक्राफ्ट अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि इससे पहले जो भारतीय वायुसेना है जो अपना मालवाहक कह सकते हैं एब्रो 748 जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, ये उसको रिप्लेस करेगा। एक तो इसमें जगह ज़्यादा है, इसके अलावा अत्याधुनिक है। दूसरा, अगर आप देखें कि करीब करीब 5 से लेकर 10 टन के बीच में जो सामान है ये एयरक्राफ्ट लेके जा सकता है, इसका कई तरह से मल्टीपल जो यूज है वो कर सकते हैं। आप आपदा की स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मेडिकल की स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखें 24 स्ट्रेचर के साथ 4 डॉक्टरों की टीम इस एयरक्राफ्ट में जा सकती है, तो अपने आप में काफ़ी आधुनिक, और कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत इन जो एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण बड़ौदा में होगा, ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे, और आप देखें कि स्पेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों एक रोड शो का भी हिस्सा बनेंगे, जो बड़ौदा एयरपोर्ट से लेकर जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड तक ये रोड शो होगा, जिसमें आप देखें कि भारत की विकास की गाथा दिखाई देगी, भारत की जो संस्कृति है वो दिखाई देगी, गुजरात का गरबा है, मजबूत होते संबंध हैं, उसकी एक झलक यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। जो आर्थिक जुड़ाव दिखाई देगी, बिल्कुल जो आर्थिक जुड़ाव है भारत और स्पेन का, उसके साथ साथ दोनों के जो रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ हो रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, और जिस रोड शो का आप जिक्र कर रहे हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से सजाया गया है। और साफ तौर पर जो होर्डिंग्स लगी हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ना सिर्फ रक्षा क्षेत्र बल्कि बात हो शांति की, बात हो विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर, तो यहाँ पर भारत और स्पेन एक साथ आते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ रहने वाला है इनका एजेंडा, क्योंकि साथ में एक प्रतिनिधि स्तर मंडल एक वो भी आया है, उनका साथ एक टीम भी आई है जिस पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते नजर आएंगे दोनों देश। देखिए, बिल्कुल नजर आएंगे, और आप देखें भारत और स्पेन के आप व्यापार को ही देखें कि स्पेन की 200 से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर इस समय ऑपरेट कर रही हैं, और आप देखें कि भारत के अंदर अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि यही समय है और सही समय है, आप देखें कि भारत के अंदर जो संसाधन है वो प्राचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा जो स्किल्ड लेबर है उस पर भारत पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी के साथ जो काम है
वो कर रहा है। इसके अलावा 80 के करीब भारतीय कंपनियां स्पेन में काम कर रही हैं। आप अगर देखें कि प्रधानमंत्री जब स्पेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे, उस समय एक प्रतिनिधिमंडल है और इसके साथ साथ सीओस के साथ भी बैठक है कि भारत के अंदर जो निवेश को लेकर जो संभावना है उसकी जो तलाश है, किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, वो इस बैठक में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। दूसरी आप सबसे बड़ी बात देखें कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन की यात्रा करी थी। कई सारे जो पहलू थे जिन पर स्पेन की तरफ से और भारत की तरफ से सहमति बनी थी। 18 साल के बाद स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ तमाम संभावनाएं और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे कि विदेश के तमाम जो देशों का उन्होंने जब विजिट किया है तो निवेश को लेकर उन्होंने आमंत्रण किया है कि निवेश को लेकर किस तरह से सुविधाजनक स्थिति भारत के अंदर मौजूद है। आप देश दुनिया के दूसरे अगर हिस्सों को देखें जहाँ पर जो प्रॉपर जो कह सकते हैं कि जो शांति है, जो स्थिरता है, वो नहीं है, भारत के अंदर आपको स्थिरता दिखेगी, स्किल्ड लेबर मिलेगी, संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। आप कनेक्टिविटी देखें वो भारत में बहुत तेज़ी से पिछले 10 सालों में हुई है। तो यहाँ पर सही समय है और यही समय है, इसी जो मंत्र है उसके साथ प्रधानमंत्री आज जब राष्ट्रपति स्पेन के साथ मुलाकात करेंगे तो निवेश को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भारत और स्पेन के बीच में सांस्कृतिक संबंध है, रणनीतिक जो साझेदारी है, आप देखें कि एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में दोनों ही लगातार इन मुद्दों पर भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल 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 नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। आज बेहद ऐतिहासिक मौका है और दोनों देशों के प्रमुख जब साथ बैठेंगे तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा पे हमारी खास पेशकश जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस के साथ। इसके साथ साथ कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, नीरज जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वडोदरा से मेघना भी जुड़ गई हैं। आइए सीधा मेघना का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं अपडेट। मेघना, लक्ष्मी विलास पैलेस में एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है, किस तरीके से लक्ष्मी विलास पैलेस को सजाया गया है और कैसे आगे बढ़ रही है दोनों देशों के बीच रिश्तों की ये नई गाथा? बिल्कुल भावना, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी वही जगह है जहां पर आज डेलीगेशन लेवल की बातचीत होने वाली है। राष्ट्रपति सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में डेलीगेशन लेवल टॉक्स होने वाले हैं। सबसे अहम बात यहां पर यह है कि ये वो जगह है जो वडोदरा की जो हेरिटेज है, जो यहाँ की संस्कृति है, वडोदरा को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, तो उस हिसाब से ये उसको डिपिक्ट करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और अगर हम तो आज चूंकि इतने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी होने वाले हैं, हमें हम देख सकते हैं कि जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ MOUs भी साइन होंगे। और उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो TSL की फैसिलिटी है जिसका उद्घाटन दोनों ही लीडर साथ में करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है मेक इन इंडिया का। और साफ तौर पर अगर देखें जब 18,000 पार्ट्स जो हैं इस C295 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट के मेड इन इंडिया रहेंगे और उसमें अगर हम देखें तो भारत डायनामिक्स, भारत एरोनॉटिक्स और उसके साथ ही कई एसएमईज को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो जगह है हैदराबाद, वहां से सभी जो पार्ट्स हैं उसको लाया जाएगा वडोदरा, यहां पर उसको असेंबल किया जाएगा। उसके साथ ही जो स्टॉक है वो प्रयागराज में रखा जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ना केवल इस फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन होगा बल्कि उसके साथ हैदराबाद देखें, प्रयागराज देखें और उसके साथ ही कई एसएमईज को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि एक बहुत बड़ा, क्योंकि एविएशन सेक्टर में अगर बात करें तो पहला ऐसा, भारत की तरफ से अगर देखें तो पहली ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस हिसाब से बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। उसके साथ भी अगर एक और पहलू यहाँ पर देखते हैं तो भारत और स्पेन के बीच जो रिश्ते हैं, जो ट्रेड है, उसको किस तरीके से और बढ़ाया जाए, उसको उसके लिए एक रिव्यू के लिए ये एक जो मीटिंग है दोनों ही लीडर्स के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ना केवल वडोदरा में प्रेसिडेंट सांचेज यहाँ पर मीटिंग करेंगे बल्कि इसके बाद वो मुंबई भी जाने वाले हैं। मुंबई में भी इंडिया स्पेन काउंसिल का जो एक इवेंट है उसको भी संबोधित करेंगे और उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलने वाले हैं, बिजनेस इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ मिलने वाले हैं, थिंक टैंक्स के लोगों के साथ मिलने वाले हैं। तो चूंकि एक तरीके से देखें तो बॉलीवुड फिल्मों के लिए स्पेन एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन है, बहुत दिलचस्पी रहती है इंडियन फिल्म मेकर्स को स्पेन जाकर शूट करने के लिए। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ना केवल बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए बल्कि किस तरीके से राष्ट्रपति सांचेज स्पेन को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करते हुए नजर आएंगे इस पूरी विजिट में, वो भी देखना होगा। और यहाँ पर अगर हम खास तौर पर लक्ष्मी विलास पैलेस की बात करें तो यहाँ पर उनका स्वागत होगा, पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा और वडोदरा के लोग भी आज जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें एक पारंपरिक तरीके से स्वागत करते नजर आएंगे। जी मेघना, तो कहीं ना कहीं गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा आज स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए नीरज आपका और मेघना आपका इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो आज दोनों देशों के बीच जो जुड़ाव है वो विभिन्न पक्षों पे, विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता नजर आ रहा है। निवेश की बात हो रही है, सांस्कृतिक संबंध है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, इन तमाम चीज़ों पर दोनों ही देश के प्रमुख यहाँ पर बातचीत करते नजर आएंगे और कई क्षेत्रों में अहम समझौतों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और इस समय की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य की झामुमो सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में झारखंड पुलिस की विशेष शाखा का एक पत्र साझा करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ये है झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत तथा जमीन लूटने का सबूत। ये पत्र झारखंड सरकार का है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस और झामुमो हमारे संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश रच रहे हैं। तो बड़ा बयान लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का, जहां उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर झारखंड पुलिस के पत्र को साझा किया है। उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठियों पर हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो बड़ा बयान आ रहा है निशिकांत दुबे का ये, जहां झारखंड पुलिस की विशेष शाखा का एक पत्र निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पोस्ट में साझा किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की बड़ी साजिश चल रही है।
बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर, और तस्वीरों में हम देख सकते हैं उस पत्र को भी जिसे साझा किया है यहाँ पर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के जरिए, और झारखंड में आदिवासियों की जो आबादी कम हो रही है उसको लेकर यहाँ पर बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया है कि किस तरह से वहाँ पर आदिवासी जनसंख्या जो है उसमें कमी आ रही है, और सीधे तौर पर यहाँ पर जो साजिश है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा रची जा रही है, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक हाथ भी है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रांची से। हमारे आलोक, यहाँ पर सबसे पहले इस वक्त जो ये बयान आया है झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, निशिकांत दुबे पर, इस पर उन्होंने एक पत्र भी साझा किया है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी फिलहाल? जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इसमें निशिकांत दुबे ने जो एक्स पे पोस्ट लिखा है और उसमें जो उन्होंने दावा किया है, जो उन्होंने लेटर को साझा किया है, उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश घुसपैठियों को शरण दे रही है। और इससे सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जो ट्राइबल लोग हैं यहाँ के, जो आदिवासी लोग हैं जो सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं, वहाँ पर उन घुसपैठियों के आने के बाद उनकी उनकी जो पहचान है या उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म होती जा रही है। और दूसरी ये है कि वो खासकर महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, और उनसे जबरन शादी कर रहे हैं, और एक तरह से जो आदिवासी संस्कृति है उसको मिटाने की साजिश बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं, और इसमें पूर्ण सहयोग जो है वो यहाँ की सरकार का है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का कल की जो बहुत बड़ी घटना रही वो है मंडल मुर्मू, जो सिद्धो कानो, जिन्होंने हुल क्रांति यहाँ पर शुरू की थी 1855 में, उनके वंशज हैं, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रस्तावक थे, बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन, और उन्होंने कल गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की थी देवघर में, और उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने भी चिंता जाहिर की कि किस तरीके से आदिवासी समाज को बांग्लादेशी घुसपैठियों के शरण में या उनके गिरफ्त में लाया जा रहा है, और उस पर उनकी 2 घंटे की मीटिंग हुई। आप गौर कीजिए कि जो मंडल मुर्मू है वो प्रस्तावक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की, जो बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रस्तावक हैं, और वो जाकर मुलाकात करते हैं इसी मुद्दे पर। 2 घंटे की उनकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद जब वो रांची की तरफ आते हैं तो उनका अपहरण किया जाता है, और ऐसा कहा जा रहा है, यानी पुलिस उनको डिटेन कर रही है। उसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस जो है, निर्वाची जो पदाधिकारी है उस पर आरोप लगा, रवि कुमार पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनको डिटेन किया गया कि वो प्रस्तावक नहीं बन पाए वहां पर, हमारा नॉमिनेशन नहीं हो पाए, उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो मंडल मुर्मू के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो उनका जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के साथ बातचीत हुई है, तो बरहेट से अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और ये आशा की जा रही है या राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मंडल मुर्मू भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखना है कि आज बरहेट और टुंडी, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, और टुंडी में उनका पेच फंसा हुआ है, वहां पर आशू चुनाव लड़ना चाहती है, जदयू भी वो सीट की मांग कर रही है, तो आज ये फैसला बरहेट और टुंडी पर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में अभी तक जीत जारी है, उनका 4 सीटों पर जीत जारी है, यानी विश्रामपुर और छतरपुर जो 2 सीटें हैं वहां पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। उसी तरीके से जमुआ और धनवार की जो सीटें हैं वहां पर CPI ML और झामुमो दोनों ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। तो आज ये देखना होगा कि इन सीटों पर क्या फैसला होगा। लेकिन ये जो मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का, ये बड़ा मुद्दा है, और अब देखना होगा कि इस चुनाव में इस मुद्दे को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने पेश करती है। ऐसे में जब झारखंड के चुनाव में पहले चरण में आलोक अब बस कुछ ही दिन बचे हों, और अगर दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया की बात की जाए तो नामांकन की प्रक्रिया भी कल पूरी हो रही है, ऐसे में निशिकांत दुबे का ये बयान कि इतना गंभीर आरोप कि सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के तौर पर किया जा रहा है और बांग्लादेश घुसपैठी लगातार अपने पैर पसारते जा रहे हैं, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप ये खासकर ये दुमका और संथाल परगना का जो क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादा है, क्योंकि वो बॉर्डर से सटा हुआ है एरिया है,
लेकिन ये मुद्दा पूरे झारखंड में है, जहां पर कोई बॉर्डर है नहीं। अगर हम छोटा नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको उठा रही है, और जनता में भी ये मुद्दा है कि ये घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको लेकर कि कितना नरम है झारखंड सरकार। नरम ही नहीं है बल्कि उनका सहयोग कर रही है। तो ये मुद्दा जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने एक तरह से खुली छूट दे रखी है और वोट बैंक की खातिर, उसी तरीके से हेमंत सोरेन यहाँ जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी की तरह वो भी अपना वोट बैंक एक सॉलिड वोट बैंक बनाए, जिससे कि चुनावी जिससे उनको चुनावी सफलता मिल सके। तो ये खतरनाक है। और इस स्थिति में जो झारखंड की जनता है, जो मूल निवासी यहाँ के हैं, या जो जो भी आदिवासी के अलावा जो पिछड़ी जाति के हैं, महतो जाति के हैं, महतो जाति की बड़ी संख्या यहाँ पर 70% के करीब है, आदिवासी के बाद सबसे बाद ट्राइबल के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर हम ओबीसी की बात करें तो महतो जाति की है। इसके अलावा अन्य जातियाँ जो भी हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, उनको ये चिंता है कि ये जो घुसपैठ का मुद्दा है, अगर इसको इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो झारखंड का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरह से खींचतान जारी है उसकी एक झलक यहाँ पर सामने निकल कर आई है। और निशिकांत दुबे का यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। आलोक, यहाँ पर अब सुरेंद्र सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस मामले पर? झारखंड सरकार के द्वारा हम कहें या उनके मंत्रियों के द्वारा कहें, तो अगर हमने कल एक झारखंड के जो विधायक के प्रत्याशी है या एक पूर्व मंत्री है, उनसे हम इस मुद्दे पर पूछा कि घुसपैठियों के मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो उनका कहना था कि ये जो मुद्दा है, अगर घुसपैठ कर रहा है बॉर्डर से, तो बॉर्डर की निगरानी की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है, तो वो केंद्र सरकार को ये चाहिए कि कैसे वो घुसपैठ कर रहे हैं, क्योंकि हम झारखंड की सरकार तो बॉर्डर पे है नहीं, तो सीधा सीधा आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं कि घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। तो इसको अगर हम काउंटर की बात हम करें तो ये बेमानी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फेंसेज हैं, वहां पर झारखंड की पुलिस वहां पर तैनात है, और इसको सिर्फ एक बहाना बनाकर कहना कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, ये बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद जो घुसपैठ यहाँ पे आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड कैसे बन रहा है, उनको सारी सुविधाएं कैसे, राशन कार्ड तो कहीं ना कहीं झूठे प्रमाण पत्र भी कहीं ना कहीं बनाए जा रहे हैं, और हेमंत सरकार जो है वो लगातार कटघरे में गिरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जब झारखंड में चुनावों के जो अब दिन है वो पास आ रहे हैं और चुनावी प्रचार भी शुरू होने वाला है, नामांकन की प्रक्रिया भी कल खत्म होने वाली, ऐसे में इस तरीके के गंभीर आरोप और घिरती हुई हेमंत सरकार के लिए लगातार सिचुएशन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए झारखंड के रण के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, और तो और उसके सहयोगी दल शरद पवार की एनसीपी भी खींचतान के दौर से गुजर रही है। ताजा घटनाक्रम में मुंबई में उनकी पार्टी के नेता जितेंद्र अवहाद और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के ताप को लेकर हाथापाई हो गई है। यूनुस शेख ने साफ तौर पर यह माना है कि पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष शमीम खान से उनका विवाद है। तो शरद पवार की पार्टी में जिस तरह से इस वक्त लड़ाई और झड़प की खबरें आ रही हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे घोषणा पत्र पर दो नेता आपस में ही भिड़ गए। तो अब जो महाविकास अघाड़ी है उसकी अंतरकलह भी जो सामने आती हुई नजर आ रही है, हालांकि अंतरकलह लग रहा था कि कहीं पर्दे के पीछे है लेकिन पर्दे के बाहर आ चुकी है। जितेंद्र अवहाद के साथ ये हाथापाई हुई और शरद पवार की पार्टी में लड़ाई। और अब भी आपको बता दें कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी भी सीट फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, और अब ये हाथापाई घोषणा पत्र पर के मद्देनजर ये सामने आई है और कहीं ना कहीं दिखा रही है कि अंतरकलह बाहर आती हुई नजर आ रही है। नाराजगी जो थी वो अवार्ड साहब से नहीं थी, हमारे अध्यक्ष जो है शमीम खान से थी, और वो उनसे अभी मेरी रहेगी। इलेक्शन की वजह से अब हम थोड़ा शांत है और हम काम करेंगे, मगर शमीम खान के साथ में जो है अब शुरुआत हुई है। आज भी हम साथ के लिए काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे, मगर अवार्ड तो से बाहर नहीं,
शमीम तेरी खैर नहीं। एक तरफ झड़प की तस्वीरें और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। केवल दो दिन ही अब नामांकन के लिए बचे हैं, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों में सीटों को लेकर विवाद जारी है और दोनों ही गठबंधन की एक चौथाई से अधिक सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। इस बीच कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर सभी से संपर्क किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम अच्छा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, हो सकता है किसी किसी सीट में कुछ साथी जो चाहते थे टिकट तो नहीं मिल पाया है, उन सब से हम लोग सब संपर्क भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वातावरण, मैं दो दिन से नागपुर में हूँ और आज चार बैठकें हमने की है, जिसमें तीन विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन और साथ ही आज सभी जो विधानसभा हमारे जो समन्वयक हैं ऑब्जर्वर हैं उनके साथ ही मीटिंग हुई है, तो सारी रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं। चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ नागपुर में मौजूद हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट के बंटवारों को लेकर, जो फॉर्मूला तय हुआ था और जो सीटें बटी हैं अभी भी असमंजस बरकरार है। भाई नामांकन की अंतिम तारीख आ चुकी है, ऐसे में कब तक ये जो टसल है वो जारी रहेगी? निश्चित तौर पर जया, और हर बार एक डेट फिक्स की जाती है और उस डेट के बाद भी वो जो है डेट आगे बढ़ती चली जाती है, बयानबाजी भी लगातार है सीटों को लेकर के। जैसे हमारी बात हुई नेता प्रतिपक्ष जो है विजय भटीदार से, कल ही बात हुई, हमने पूछा स्पष्ट रूप से कि आप कितनी सीटों पर आप क्लियर हैं कि आप हमें इतनी सीटों पर लड़ना है, तो उस पर भी वो उन्होंने कहा कि हम मेरिट के हिसाब से चल रहे हैं, जिस सीट पर जो पार्टी हमारे गुट में है वो अच्छा कर सकती है तो हम उनको वो सीटें दे रहे हैं। तो स्पष्टता उनके अंदर भी नहीं है, क्योंकि कभी 85 का फॉर्मूला आता है, कभी 90 का आता है और कभी 104 से ऊपर की सीटें हो जाती हैं, तो ये स्पष्टता नहीं है। दूसरी तरफ विदर्भ को लेकर के पहले एनसीपी का और शिवसेना का ये था कि उनको विदर्भ की भी कुछ सीटें दी जाएं, लेकिन कांग्रेस का ये था कि वो विदर्भ में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं तो वो सीटें उनको देना नहीं चाह रहे थे, और इसी को लेकर अभी भी पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि विदर्भ की कई सारी सीटें ऐसी हैं जो कि अभी तक नहीं दी गई हैं। पहली बार ऐसा होगा कि पूर्वी नागपुर सीट से एनसीपी का यानी कि शतप्रवा का जो गुट है उनसे कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव यहां पर लड़ेगा, तो ये भी उनकी तरफ से एक ऐतिहासिक ये जो पल होगा। लेकिन कांग्रेस लगातार इनके बीच में फंसी हुई है, समाजवादी पार्टी की को भी अगर देखा जाए तो वो भी लगातार सीटें यहां से मांग रही हैं, तो किस ओआपो की स्थिति है लगातार, और अभी भी कांग्रेस का ये भी कहना है कि वो गारंटी कार्ड भी दिवाली से पहले लेकर के आएगी, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा इस तरीके से नहीं हो पाता है निश्चित तौर पर उनकी जो आगामी जो रणनीतियां हैं वो भी निश्चित तौर पर तय नहीं हो पाएंगे। तो चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में अभी भी खींचतान चल रही है और अंतर्कलह कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर, हालांकि एक ही चरण में चुनाव होने और उसके लिए चुनावी प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया कल खत्म होने वाली है, इससे पहले अभी भी सीट फॉर्मूला तय न होना एक बड़ी असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। चंद्रशेखर, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और यहाँ पर बात कर लेते हैं केरल की, और वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे जिसके लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड में दो दिवसीय दौरे पर रहने वाली हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट को चुना था। तो वायनाड में पहुंचेंगी, दौरे पर रहेंगी और करेंगी प्रचार। आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को होना है उपचुनाव। चलिए यार, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं।
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष के स्थापना दिवस का मुख्य विषय व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और देश भर से आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख हितधारक हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार आपदा जोखिम कम करने और आपदाओं का प्रभाव घटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के 10 सूत्री एजेंडे के तहत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और खबर आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद के एक पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई है। आग बोंगी कोंटा में मयूर पान शॉप के पास स्थित एक पटाखे की दुकान में लगी है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और दुकान में रखे पटाखों में तेज धमाके होने लगे। आसपास खड़ी कारों में भी इस के चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। फिलहाल एक महिला के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक फायरवर्क्स शॉप को लीगल सर्टिफिकेट नहीं मिला था। पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच कर रही है। तो हैदराबाद के सदर बाजार में एक रेस्टोरेंट और एक अवैध पटाखा दुकान में आग लग गई। फिलहाल आग में पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग काफी भीषण थी। डीसीपी साहब इज्जन बालासामी साहब आईपीएस गारु वो सूचन दिया, मीटिंग भी हुआ इन लोगों के साथ पूरा स्टेशन। कोई ये लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर एंड फायर क्रैकर्स, उन लोगों का पूरा सूचन देने के बाद भी इनो लाइसेंस बिना लाइसेंस पे ये क्रैकर्स स्टार्ट करे। स्टार्ट करने के वजह से ये आग अंदर इसका मोटिव क्या है, कैसा हुआ, अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट आने पड़ेगा। और अब खबर दम घोटू होती दिल्ली की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कई स्थानों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। बिल्कुल, मुंडका और सोनिया विहार में AQI 366 दर्ज किया गया है। वजीरपुर के इलाकों में AQI 362 पर पहुंचा। पंजाबी बाग के आसपास AQI 358, तो वहीं अक्षरधाम इलाके और आनंद विहार में भी AQI 357 खराब श्रेणी में बना हुआ है। मंदिर मार्ग की बात की जाए तो यहाँ AQI 231 दर्ज किया गया है और आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आँखों में जलन महसूस हो रही है। तो सांस लेने में तकलीफ और आँखों में जलन, अगर हम बात करें दिल्ली में यमुना की, तो वहाँ भी हाल ख़राब है। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने जहाँ लोगों को जानलेवा सांस लेने पर मजबूर कर रही है, वह यमुना का जहरीला पानी भी चिंता का विषय बना हुआ है। एक हफ्ते से ज़्यादा समय से यमुना में झाग की मोटी परत देखी जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं दिख रहा है। तो दिल्ली की हवा और पानी दोनों ही बेहद प्रदूषित, जहरीली हवा और ये जहरीले पानी। और ये यमुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से एक मोटी सफेद चादर देखी जा रही है और ये मोटी सफेद चादर
कुछ नहीं, एक रसायन है, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ रसायन है जो एक मोटी सफेद चादर के रूप में तब्दील हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि इस मोटी चादर का स्पर्श भी कहीं ना कहीं जहरीला हो सकता है। इसके साथ साथ यमुना तो प्रदूषित है ही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि दिल्ली में बढ़ता जा रहा है वायु प्रदूषण और AQI का लेवल खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कई आज भी AQI लेवल जो है कई जगहों पर दिल्ली में 350 से ऊपर दर्ज किया गया है। बिल्कुल, तो दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार इस वक्त झेल रहे हैं राजधानी वासी। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए आज से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह का पालन मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा शपथ लेने के साथ शुरू होगा। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति, राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति है और इसे शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे अखबारों की सुर्खियां, आप कहीं मत जाइएगा। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको, हमारे स्टूडियो में मौजूद है संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात, क्या है आज आपके पास अखबारों के पिटारों से? सुप्रभात भावना और जया, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं 18 वर्षों के बाद स्पेन के किसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज प्रमुख अखबारों ने स्थान दिया है और साथ ही साथ मुंबई का भी वो दौरा करने वाले हैं। $10 अरब का द्विपक्षीय व्यापार भारत और स्पेन के बीच 2023 में रहा है, तो इस तरह के तमाम बिंदुओं के साथ इस खबर को आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। अगर दूसरे अखबारों की बात करें तो उन्होंने भी इससे जुड़ी हुई खबर प्रकाशित की है। जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर और बताया कि वडोदरा में तैयार होगा C-295 विमान और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज जो है वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया है कि वडोदरा में जो टाटा समूह की विमान निर्माण इकाई के उद्घाटन के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। एक और खबर की बात करें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। जी हां, 70 से अधिक उम्र के लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिलने है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं। यह खबर को भी जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर लिया है। एक और खबर नवभारत टाइम्स अखबार ने पहले पेज पर प्रकाशित की, अन्य अखबारों में भी यह खबर हमें देखने को मिली है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी हुई खबर जिसमें उन्होंने बेहद ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि रुको सोचो रिएक्शन, इसी हेडलाइन के साथ यह खबर प्रकाशित है। लिखा है कि डिजिटल अरेस्ट से बचाव का मोदी मंत्र, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ धोखाधड़ी है, झूठ है और फरेब है, यह बात प्रधानमंत्री ने कही। और भी क्या कुछ प्रमुख बातें कही उन्होंने अपने इस वक्तव्य में, इस खबर को बताया गया है। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर एक खबर प्रकाशित की, अन्य अखबारों में भी एक खबर आज प्रकाशित है जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत लैंगिक समानता में कर रहा है प्रगति, साथ ही साथ कहा कि सामाजिक मानक और सुरक्षा के मुद्दे बाधा हैं। एक और खबर पंजाब
केसरी अखबार ने पहले पेज पर ली है, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि अब आतंकी हमलों का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, हम आज आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी है। और क्या कुछ खास बातें कही हैं वो भी इस खबर में बताया गया है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जिसे हरिभूमि अखबार ने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों ने भी आज पहले पेज पर ही इस खबर को प्रकाशित किया और बताया है कि फिर प्रभावित हुई उड़ान सेवाएं। 14 दिन में लगभग 350 से ज्यादा धमकियां उड़ान सेवाओं को मिली है और अब तक 50 से अधिक विमानों को मिली बम से उड़ाने की जो धमकी है उसमें इंडिगो के 18, विस्तारा के 17 और अकासा के 15 विमान शामिल है। और साथ ही यात्रियों को 6 से 8 घंटे की देरी का सामना करना पड़ा है और इसकी वजह से कई सारे इनको परेशानियों का सामना करने के साथ ही एयरलाइंस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज के अखबारों में यह खास और अहम खबरें। बिल्कुल, तो जो ये हाल ही में जो होक्स की खबरें आ रही हैं वाकई चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए संध्या। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को पहचानने के लिए हर साल आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाने का मकसद लोगों में एनिमेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कल मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने देश में एनिमेशन के विकास को लेकर बात की, आइए सुनते हैं। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे, क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशन में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर की। शिवराजन सोलई मलई और सुकांत कदम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 24 पदक जीते। भारत के प्रमुख पैरा बैडमिंटन एथलीट सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में अपने साथी दिनेश राजैया के साथ रजत पदक जीता। भारत के अरमान भाटिया ने रोमांचक फाइनल मैच में अमेरिका के डस्टी बायर को हराकर PGWR DUPR इंडिया मास्टर्स पिकल बॉल चैंपियनशिप में पुरुष प्रो सिंगल और डबल्स का खिताब जीता। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के 19वें मैच के रोमांचक मुकाबले में तमिल थलाईवास ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 30-30 की बराबरी पर रोक दिया। अब बात मिजाजी मौसम की।
और ये मिजाजी मौसम के साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही। समय आ गया है अब से विदा लेने का, लेकिन आइए जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के वडोदरा की कुछ तस्वीरों के साथ। जी हाँ, गुजरात के वडोदरा स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की जगमगाहट के साथ जहाँ 5000 दीपकों से की गई है महाआरती। आप इस महाआरती का आनंद लीजिए, सुबह की शुरुआत करिए, सशक्त रहिए, खुश रहिए, मंगल रहे आपका ये सोमवार। इसी के साथ मुझे, जया और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो।